अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद साहिद, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात आज तक की टीम हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव रूपड़ाके में पहुंची हुई है। दोस्तों, रूपड़ाके गांव से एक दुखद खबर निकल कर आ रही है। रूपड़ाके के जो ग्रामीण हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, एक परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है। हम ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनकी क्या परेशानी है। सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, आपकी क्या परेशानी है? परेशानी ये तेरे सामने ही दिख रही है सारी। भाई ये गरीब बालक आ रही है, इनको मकान नहीं है, सारो गिर गो है, बहुत गरीब है। हद से ज़्यादा ना जमीन है ना जोड़ी है कुछ ना, बस ये रहने के यही कमरा है। किस वजह से गिर गया मकान? ये रात बारिश में गिर गया, कच्चा मकान होने के वजह से। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, प्रशासन और मेवातवासियों से? मेवात और प्रशासन से यही चाहते हैं कि भाई इनका ये मकान बनाया जाए गरीब हुआ देख कर। हाँ, और मेवात आज तक में आपका स्वागत है। सर, आपकी क्या परेशानी है? भाई परेशानी ये है, ये बेवा हाँ, इनके ना कोई आगे ना पीछे, ना इनका घर जंगल में जमीन ना है, गांव में वो नहीं है, इनके बिल्कुल गरीब आदमी हैं, छः सात बालक हैं, कोई वो नहीं है इनका उपजा, तो इनका प्रशासन से ये इनका जो है थोड़ी घना मदद करी जाए। सरकार से और प्रशासन मेवातवासियों से क्या अपील है? सरकार से और प्रशासन से यही मदद है, इनकी जो है मदद करी जाए। अच्छा, आप मेवातवासियों से भी कुछ अपील करना चाहते हैं? हाँ, उनका मतलब इसका अकाउंट नंबर या फ़ोन नंबर दे देंगे, थोड़ी जो मदद जितनी भी हो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदद करी जाए। दोस्तों, हम आपको उस औरत से मिलाएंगे जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, वो बेवा है, बहुत गरीब है, और मैं भी मेवात वासियों से और प्रशासन सरकार से यही अपील करूँगा जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए, और मेवात वासियों से कि इनके जो अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, फ़ोन पे नंबर दे दिया जाएगा, इनकी हेल्प की जाए जितनी आपसे हो सके। हम उस औरत से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत। भाई कुछ भी ना, मेरे कहा रात में बालक नेट नेट निकाला है घर में से। किस वजह से गिर गए मकान? बारिश से गिर गए। अब प्रशासन और मेवात वासियों से क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहूँ भाई, मेरे बालक ने मदद लग जाए, मैं बच्चा कोई घोंसला बना लूँ, घर वर बना लूँ। खाने कमाने वाला कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है भैया। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये बहुत दुखद खबर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसका जो घर है उसको दिखाया जाए, जो है कि घर गिर चुका है, बहुत ज़्यादा दुखद खबर है। जितनी भी हो सके मेवात वासियों से प्लीज़ हेल्प करें, क्योंकि आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, फ़ोन पे नंबर दे दिया जाएगा, और प्रशासन सरकार से यही अपील है बार बार। सारा गिरा हुआ है, एक ही कमरा था, ये बहुत दुखद खबर है। जितनी हो सके मेवात वासियों से प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्योंकि ये बहुत दुख की घड़ी है। एक परिवार के जो खाने कमाने वाला कोई नहीं है, वो परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, बार बार यही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। दोस्तों, आप देख सकते हो, एक गरीब परिवार है, इनका मकान गिरा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा परेशान। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये बहुत गरीब परिवार है, ये बार बार सरकार से और मेवात वासियों से यही अपील करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं कि इनकी कुछ हेल्प की जाए। ये बहुत परेशान है, यतीम बच्चे हैं, इनका जो है कि मकान गिर चुका है, जितनी हेल्प हो सके की जाए। ये बहुत गरीब परिवार है, आप देख सकते हो, एक कमरा था जो बारिश की। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद साहिद, आप देखते रहिए मेवात आज तक। हम यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते।